महेश भाई अगर हम समझे तो ये है पुराने प्लांटेशन, ओके ठीक है, और ये जो मैं जस्ट खड़ा हूँ ये CFR के तहत नए प्लांटेशन हुए हैं, ये भी नया प्लांटेशन हुआ है ऑलरेडी। ये पिछले 2 साल में हुआ है ना, ये जस्ट पिछले साल का है। आप अगर देखेंगे यहाँ अंजलि आसपास तो आपको बैम्बू प्लांटेशन इन भिरों के बीच में कहीं कहीं दिखेगा। ये भी अभी का नया ही, हाँ लास्ट ईयर, दो साल। एक्चुअली यहाँ पर 2 साल की ग्रोथ अलग दिखेगी और खेतों में 2 साल की ग्रोथ अलग दिखेगी। हाँ नेचुरल वे में जा रहा है, मतलब केवल बारिश का पानी जो मिला उसी पानी से बड़ा है। लगभग आप समझ लो बारिश जाने के बाद तो एक बूंद पानी नहीं मिला ना इसको, जो भी ये यहाँ से साफ साफ जो रसन का पानी आ रहा है यहाँ पर अगर सारा देखेंगे तो ये प्लांटेशन ही है, ये प्लांटेशन है। ये ड्राइनेस जो दिख रहा है ना ये गर्मी का ड्राइनेस है, अप्रैल मई में जो ड्राई हुआ और ये सिंक होकर के रिवर्स हुआ वो ड्राइनेस है। ये बारिश के सूट हैं पुराने पिछले साल के, इस साल के सूट अब निकलेंगे अगस्त लास्ट में, अभी सितंबर स्टार्टअप हुआ ना अब यहाँ के सूट निकलेंगे। लेकिन ये अच्छा एक गणेश भाई का इनिशिएटिव है कि जो जो भी खाली जगह दिख रही है, जैसे ये प्लांटेशन है दिस, ये पूरी टेकड़ी पर बीच बीच में जहाँ पर भी गैपिंग हो गया है, जहाँ पेड़ पौधे कम हो गए हैं, जगह खाली हो गई है, वहाँ पर गणेश जी बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और यहाँ के ग्रामीणों को जो हम सेल्फ और हेल्प में जा रहे हैं कि उसी ग्राम पंचायत को वहीं से इनकम जनरेट हो, S2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, जो O2 ऑक्सीजन पार्क पूरे भारत को और विश्व को सिखा रहा है। वहां पर धरगांव तहसील में गणेश भाई ने ऑलरेडी जनपद सदस्य रहते हुए गांव-गांव और सरपंच तक पहुंचकर घरों तक पहुँच करके ये इनिशिएटिव ले लिया है कि हम उस पंचायत को ही विकसित कर दें ताकि हमें ऊपर से कोई भी धनराशि लेने की आवश्यकता ना हो। इतना ही मुद्दा है ना, बिल्कुल हम किसी और पर आश्रित ही ना हो, हम ना तो जनपद पर जाएं ना हम और राज्य पे जाएं ना हम केंद्र पे जाएं कि हमारी ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ 2 पैसा देगी तो हमारी ग्राम पंचायत विकास में आएगी, विकसित होगी। वो जो बोलते स्वयं पूर्ण, यस वो बनाने के लिए स्वयंभू खुद ही बन रहे हो। हर गांव को स्वयंभू बन, विलेजेस उन्होंने ऑलरेडी टच कर चुके। कितने विलेजेस में हम रन हो रहे हैं गणेश जी, आप बताइए थोड़ा सा। अभी फिलहाल तो ये जब स्टार्ट किया था हमने 6 गांवों से स्टार्ट किया जी, था बिल्कुल। अभी लगभग 20 गांव हो रहे हैं, 20 गांव में हम प्लांटेशन कर चुके हैं। और हमारे वन्य क्षेत्र में कितने गाँव आ रहे हैं जिनमें हम पहुँचने वाले हैं? हमें तो जाना है 150 गांव तक। 150 गांव के अपने पास सूची है जिसमें आप ऑलरेडी टचअप हो चुके हो और एक एक गांव को आप सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में कन्वर्ट करते जा रहे हो। एक मुद्दा और है कि अगर ऐसे जंगलों में जो जगह खाली हो गई है वहां पर बैम्बू नहीं आया तो यहाँ की मिट्टी बहकर जाएगी और यहाँ निकलेगा पत्थर। जब मिट्टी नहीं होगी पत्थर निकलेगा तो उस समय फिर क्या होगा कि यहाँ के जो अच्छे कलेक्टर होंगे वो किसी स्टोन क्रशर को बुलाएंगे और भैया ये आप पत्थर ले लो, आवंटित करो और यहाँ से गिट्टी निकालो, है पत्थर निकालो यहाँ से, स्टोन क्रशर गिट्टी बनाओ और नए और सीमेंट के जंगल बनाओ। जो प्रकृति के जंगल थे ये खत्म हो रहे हैं, अब सीमेंट के जंगल बनाओ। तो उसको गणेश भाई ऑक्सीजन पार्क के साथ जुड़ करके चल रहे हैं तो जंगलों को खत्म नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपने गणेश भाई जो लिया ऑक्सीजन पार्क के तहत। पूरे भारत को क्या कहना चाहोगे कि सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी जिसको हमने नाम दिया S2E2 उसके तहत आप क्या संदेश देना चाहोगे? अभी मैं तो यही कहूँगा कि हमें प्रकृति का जो ताकत है उसको बनाए रखना है, yes. और उस ताकत को लोगों के लिए यूज करना है। ऑक्सीजन चाहिए ना तो प्रकृति चाहिए, और प्रकृति चाहिए तो उसमें बैम्बू चाहिए। आइए मिलकर बैम्बू प्लांटेशन करें। थैंक यू।